मामला श्योपुर जिले का है, जहां कुछ दिनों से फरार चल रहे नकली नोट बनाने वाले गिरोह का सरगना फौजी पंडित को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कई मामले दर्ज थे। एसपी नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया है और उसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। यह हम आपको बता दें कि फौजी पंडित नाम का आरोपी भारतीय फौज में एक सैनिक के रूप में काम करता था। फौजी पंडित पिछले 6 से 7 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा फौजी की गैंग के 8 आरोपियों को पहले ही दबोच लिया जा चुका है। धारा 420 का आरोपी है और 489A और 489D का भी है ना। इसे माननीय एसपी साहब के माननीय एसपी श्योपुर के निर्देशन में हमें जानकारी मिली थी कि ये नकली नोट बनाने का काम करता है। इसका नाम है पंडित, जौरा का निवासी है ना, और पूरा नाम है इसका फौजी पंडित और रामवीर निवासी जौरा। तो उसे गिरफ्तार किया है हमारे मानपुर थाना ने, और इसने 55,000 रुपये लिए थे उसको 1,00,000 रुपये बनाने के लिए। नकली नोट छापने का काम करता है। क्या इनाम भी था इस पे? इसमें 10,000 का इनाम घोषित किया था माननीय एसपी साहब ने। कितने समय से फरार चल रहा था ये? 7-8 महीने से फरार चल रहा था। कैसे और पूछताछ होते हुए मालूम चला है कि इसके पहले के जो 8 आरोपी थे जो इसके साथ शामिल थे उनको पहले ही गिरफ्तार किया चुके, केवल ये बाकी था। तो इसे ही हमें धरते पूछने में सफलता मिली। कुछ उससे नगद कुछ नकली नोट वगैरह या छापने का सामान? उसे जो नकली नोट बनाने की किट है उसका पूरा सामान उसमें हमको जब्त किया गया है।